जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन चल रहा होगा। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पेपर फर्स्ट और यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख रहे थे, जिसमें हमने नेशनल इंटीग्रेशंस के बारे में विस्तृत जानकारी कर रखी है। ऑलरेडी वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। बात करेंगे इस वीडियो में इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के अर्थ, परिभाषा और आवश्यकता के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की आवश्यकता और इसके अर्थ, इसकी परिभाषा क्या होती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों नोट्स के साथ। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, साथ ही साथ आसान टॉपिक भी है। इसका सिंपल से अर्थ समझ जाइए, पहले हिंदी में समझ लेते हैं, ठीक है, फिर इंग्लिश नोट्स में आएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का अर्थ क्या है। भाई विश्व नागरिकता, जैसे हम एक देश में रहते हैं तो एक देशवासी अपने आप को, एक सारे लोग एक देशवासी के तौर पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक राष्ट्रीयता की भावना होती है। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग का मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय भावना हो, एक हम सब एक विश्व के नागरिक हैं, तो कोई इसमें भेदभाव ना हो। देखिए, यह भावना इस बात पर बल देती है कि संसार के प्रत्येक मानव में भाईचारे के संबंध हो, ठीक है दोस्तों, एक दूसरे से आपस में प्यार और मोहब्बत से सारे लोग, पूरे राष्ट्रीय नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय, पूरे दुनिया के लोग, ठीक है, पूरे संस्कार संसार के, तथा वसुधा एक कुटुंब के समान प्रतीत हो। इस दृष्टि से क्या होता है भाई, इस दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, विश्व मैत्री तथा विश्व बंधुत्व की भावना आधारित होती है, होते हुए मानव के कल्याण पर बल देती है। तो भाई इसमें क्या होता है, भाई विश्व मैत्री तथा विश्व बंधुता की भावना पर आधारित होते हुए मानव के कल्याण पर बल देती है। दूसरे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय भावना, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना विश्व के समस्त राष्ट्रों तथा उनके नागरिकों के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा सहयोग की ओर संकेत करती है। सिंपल सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का मतलब क्या होता है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय, पूरी दुनिया, पूरे संसार के लोग एक भावना से जुड़े रहें, मैत्री भावना से, बंधुता भावना से जुड़े रहें। अंग्रेजी में देखिए इसको क्या लिखा गया है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग मींस गुड अंडरस्टैंडिंग, दो चीज़ है भाई, गुड अंडरस्टैंडिंग एंड गुडविल अमॉन्ग द डिफरेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी राष्ट्र है ना, उसके पीछे दो, उनके लिए दो चीज की भावना होनी चाहिए, कौन सी, एक गुड अंडरस्टैंडिंग और दूसरी गुडविल। गुड अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि हम अंडरस्टैंड करें, अंडरस्टैंड मीन दैट नॉलेज ऑफ कल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड अदर फील्ड फॉर द, हमें दूसरे देशों के कल्चर, साइंस, उसकी टेक्नोलॉजी और उनके दूसरे क्षेत्रों के बारे में हम जानकारी रखें, हम समझें कि हाँ ठीक है फला देश में ऐसा होता है, फला देश में ऐसा, हम उनके कल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी की हम जानकारी रखें, अच्छी जानकारी रखें। और दूसरी बात क्या है भाई, गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल का मतलब होता है, जस्ट एक मिनट, गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल मीन प्रोसेसिंग अ लिबरल एटीट्यूड, लिबरल मतलब एक अच्छा व्यवहार उन देश के प्रति, टूवर्ड्स द कल्चर ऑफ अ नेशन एंड एक्सचेंज इन द फील्ड ऑफ अ साइंस। अब देखिए, उस देश के प्रति हम एक अच्छा व्यवहार रखें, एक अच्छी भावना रखें, एक अच्छा अपना एटीट्यूड रखें, उनके कल्चर को लेके, उनके राष्ट्र को लेके, उनके सामान को लेके, उनके और हम एक्सचेंज करें इन द फील्ड ऑफ साइंस, हम आदान प्रदान करें साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अपनी साइंस टेक्नोलॉजी उनके साथ शेयर करें, उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने साथ शेयर करें। तो कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का मतलब पूरे अंतर्राष्ट्र को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करना, एक समान समझना, एक जैसा मानना, एक दूसरे के बीच मैत्री भावना का प्रदर्शन करना, ये इंटरनेशनल अवबोध होता है, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होता है। इसकी डेफिनेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू गॉट स्मिथ ने क्या कहा था, इंटरनेशनलिज्म इज द फीलिंग दैट द ऑल द इंडिविजुअल इज नॉट ओनली अ मेंबर ऑफ अ स्टेट बट द सिटीजन ऑफ अ वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं है, वह वरन पूरे विश्व का नागरिक भी है, पूरे विश्व का एक नागरिक भी है, ठीक है दोस्तों। तो ये गोल्ड स्मिथ ने कहा था, इंटरनेशनलिज्म इज द फीलिंग दैट द इंडिविजुअल इज नॉट ओनली अ मेंबर ऑफ हिज स्टेट बट अ सिटीजन ऑफ अ वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वो अपने राज्य का ही सदस्य नहीं है, एक पूरे विश्व का नागरिक भी है। तो ये दोस्तों हमारी इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आइए बात करते हैं कि
अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का विकास कैसे किस माध्यम से किया जा सकता है, किस तरीके से किया जा सकता है, द वे ऑफ डेवलपिंग, वे ऑफ डेवलपिंग किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स के द्वारा आप यकीन करेंगे कि खेल से एक दूसरे के साथ खेलने से ये एक अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की भावना क्या होती है भाई, विकसित होती है। व्यापार के माध्यम से जब कोई व्यापारी यहाँ आके अपना सामान बेच सकता है, हमारे व्यापारी वहाँ जाके बेच सकते हैं, तो इससे इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डेवलप करती है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, हमारे देश के गवर्नमेंट अगर किसी देश में किसी चीज़ की कमी हो तो हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट करें, ठीक है, अगर हमारे यहाँ कमी हो तो वहाँ से इम्पोर्ट करें। आयात निर्यात से भी और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की भावना और विकसित होती है। करेंसी एक्सचेंज, मुद्रा विनिमय, मतलब कि ठीक है, इंडिया की करेंसी रुपीज़ है, अमेरिका की डॉलर है, दुबई का दिरहम है, तो ये पैसे का भी एक्सचेंज हो कि ठीक है आपके पैसे हमारे यहाँ चल सकते हैं, हमारे पैसे आपके यहाँ चल सकते हैं, वहाँ पर एक्सचेंज किया, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है भाई, अंतर्राष्ट्रीय समझ, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध विकसित होती है। टूरिस्ट या ट्रेवल, भ्रमण से, तो जब हम एक दूसरे के देश में टूरिस्ट बन के जाते हैं, तो वहाँ पे टूर करते हैं, भ्रमण करते हैं, तो इससे भी हमें अंतर्राष्ट्रीय समझ, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, डेवलप होता है। छोटे छोटे बिंदु, बहुत आसान सा टॉपिक है, जनरल भाषा में आपको समझ जाना है। ज़रूरत क्यों है भाई इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की, ज़रूरत क्यों है अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की, टू प्रिवेंट द ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशंस, मानव शोषण के रोकथाम हेतु, मतलब मानव को बचाने के लिए। दूसरा, टू प्रिवेंट द वॉर, युद्ध से बचने के लिए, जब आपस में अच्छी समझ रहेगी तो हम एक दूसरे से झगड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, टू प्रिवेंट द वॉर, युद्ध द्वारा नहीं, युद्ध को रोकने के लिए। द नेक्स्ट वन इज फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ द नेशन, राष्ट्रीय की आज़ादी के लिए, मतलब ठीक है आप आज़ाद रहिए, एक जगह से आइए दूसरी जगह जाइए, इट्स फाइन, तो फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ अ नेशन, ठीक है दोस्तों, टू सेफ गार्ड द नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रहित की सुरक्षा के लिए, ठीक है, तो राष्ट्रहित की सुरक्षा के लिए भी आपस में समझना जरूरी है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। द नेक्स्ट वन इज टू प्रिवेंट द नैरो नेशनलिस्टिक आइडिया, नैरो नेशनलिस्टिक आइडिया मतलब पता है राष्ट्रवादी संकीर्ण विचारवादी क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी देश की विचारधारा बहुत ख़राब है कि उसको दुनिया से मतलब नहीं है, ठीक है तुम अपना देखो, मोस्टली आप देखेंगे तो इंडिया के लोग अफ्रीकन कंट्री जैसे कि सूडान और ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, जैसे कि कुछ लोगों को आपस में ही मतलब होता है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि, तो वो चीज़ें होती हैं कि ठीक है तुम अपना देखो, तो ये एक नैरो नेशनल होता है, वो अपने में बिजी रहते हैं, वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते, पूरे विश्व के पटल पर अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते, तो इसी को नैरो नेशनलिस्टिक कहते हैं, संकीर्ण राष्ट्रवादी सोच कि ठीक है मैं अपने काम से काम रखता हूं, तुम अपना देखो, तो बस वो जीते हैं खाते हैं उसमें रह जाते हैं, तो उसी को नैरो नेशनलिस्टिक कहते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय समझ होना जरूरी है, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध, अवबोध का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझ, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय की समझ होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, देखते हैं कि ऑब्स्टिकल्स क्या होती हैं, बाधाएं कौन कौन सी आती हैं, उसके दोष कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले वही बात है भाई, नैरो नेशनलिज्म, संकीर्ण राष्ट्रीयता, वही बात है, छोटी सोच हो नहीं, तो ये एक बाधा होती है, एक दूसरे को समझने में बाधा उत्पन्न करती है। द नेक्स्ट वन इज डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट पॉलिटिकल, विभिन्न राजनीतिक नीतियों का मतलब क्या होता है कि मोस्टली इस कंट्री के जो लीडर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है ना, उनकी एक आइडियोलॉजी सेट होती है, तो वो जब आइडियोलॉजी एक दूसरे से मैच नहीं करती तो फिर वो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवबोध नहीं हो सकता। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आदान प्रदान व्यापार क्यों नहीं है, इसका रीज़न यही है कि दोनों गवर्नमेंट्स की आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है, जहां एक कंट्री टेररिज्म को सपोर्ट करती है, वहां दूसरी कंट्री टेररिज्म के बहुत खिलाफ है, तो ये रीज़न है। दूसरी चीज़ है पाकिस्तान और तालिबान के बीच में बहुत ज़्यादा घनिष्ठता है, क्यों है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी सेम है, तो यही सब चीज़ें होती हैं कि जब डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होंगे तो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएंगे, और जब आइडियोलॉजी सेम होगी तो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा होगी, तो ये इसकी बाधा है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो राजनीतिक नीतियाँ विभिन्न होती हैं, ये इसकी बाधा है दोस्तों। बात करते हैं नेशनल ग्रुप का मतलब कि विश्व के मंच पे UNO ये सारी नेशनल्स ग्रुप्स हैं, तो उस ग्रुप्स में जिस को नहीं रखा जाएगा तो उसके बारे में समझ नहीं हो पाएगी, जैसे दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो UNO में शामिल नहीं है, तो इनसे उतनी बात नहीं हो पाती, तो इससे उतनी समझ नहीं हो पाती। और नेक्स्ट वन है डिफरेंस कल्चर, सांस्कृतिक विभिन्नता है,
हम उनकी संस्कृति को समझ नहीं पाते हैं, तो इसीलिए इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और एक दूसरे को और अच्छे से नहीं जान पाते, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध नहीं हो पाता। तो ये अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की बाधाएं। दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स आप खुद लिख सकते हैं कि लैंग्वेज प्रॉब्लम, भाषा की समस्या, या फिर आप लिख सकते हैं एटमॉस्फियर की समस्या, वातावरण की समस्या। इन कारणों से इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाता। ये जनरल सी पॉइंट से इसको आप अपने तरीके से जरूर लिख सकते हैं। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको बस समझाऊं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो इसमें हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की बाधाएं, इंटरनेशनल ऑब्स्टेक्स के प्रॉब्लम देखा हमने, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की आवश्यकता, नीड्स ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। इसी के साथ हमने देखा कि इसको और कैसे डेवलप किया जा सकता है, और साथ ही साथ गॉड स्मिथ के द्वारा इसकी क्या परिभाषा है वो भी हमने जाना, कि अंतर्राष्ट्रीय एकता की एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वो अपने राज्य का ही नहीं एक पूरे विश्व के एक नागरिक है। उसी के साथ साथ हमने विस्तृत रूप से अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के अर्थ जाने, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो इस वीडियो में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अवबोध में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक लास्ट में रिक्वेस्ट ये है कि डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक होगा, मैं मोस्टली कहता नहीं, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं आप उसको ज्वाइन करेंगे, बहुत फोर्स नहीं है, ईजिली अगर आपको लगे कम्फर्टेबल। और हाँ, वहाँ बहुत ज़्यादा मैसेज आए तो आप जनरली लीव कर सकते हैं। सिंपल सी बात, देखिए दोस्तों आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप वहीं अपने आप को शामिल करिए, आप उन्हीं चीज़ों को देखिए, आप वहीं अपने आप को रखिए जहाँ से आपको शिक्षा संबंधी जानकारी हो। तो उस ग्रुप में पॉलिटिक्स और फलाना ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होती, मैं खुद अलाउ नहीं करता। सिंपल सी बात है, अगर कोई पढ़ाई से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें हैं तो आप उसमें पूछ सकते हैं, और कुछ लोग उसमें आपको जानकारी दे सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म है जहां आपस में सब मिलकर पढ़ते हैं, तो उस टेलीग्राम को लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मुझे कमेंट बताइए कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, कि क्या आपको इंटरनेशनल अवबोध, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग समझने में कुछ सहायता मिली। अगर मिली है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिए, और आगे ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं कमेंट बॉक्स में, मिलते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। जय हिंद, जय भारत।